हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल नेचर लव गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम 10 इंडोर प्लांट के बारे में जानेंगे जिसे आप घर के अंदर, रूम में, कहीं भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इंडोर प्लांट की लिस्ट का पहला पौधा है क्रोटन। यह रंग बिरंगा पौधा है क्रोटन, जिसे आप चाहें ऑफिस में, घर में, कहीं भी रख लें, या कई रंगों और पत्तियों में मिलता है, या अलग अलग शेड और साइज में आता है। क्रोटन गर्मी में तेज बढ़ता है, सर्दी में धीरे धीरे बढ़ता है। क्रोटन को आप सेमी शेड में रखें, रूम में इंडोर रखें, पानी इसे कम दें तो यह अच्छा होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा वाटर देंगे तो यह पौधा धीरे धीरे मरने लगेगा। अरेका पाल्म, यह बहुत ही खूबसूरत पौधा है। यह ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। यह इंडोर बहुत अच्छा लगने वाला पौधा है। इसकी दो वैरायटी होती है, एक ड्वार्फ वैरायटी और लॉन्ग वैरायटी। ड्रेसेना, जिसे सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, यह इंडोर प्लांट है। सुबह की सनलाइट मिले तो बहुत अच्छा है। पानी इसे ऐसे दे कि मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहे। हैंगिंग बास्केट के रूप में भी इस पौधे का उपयोग किया जा सकता है। यह पौधा बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगता है। स्नेक प्लांट, यह एयर प्यूरीफायर प्लांट है। यह हवा में मौजूद एयर पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करता है अपनी पत्तियों से, इसीलिए घर के अंदर रखना बहुत अच्छा माना जाता है। यह एक सकुलेंट प्लांट है। इसकी भी कई वैरायटी आती है। एक ही पौधे से कई पौधे पट के रूप में निकलते रहते हैं, जिन्हें आप अलग करके नए पौधे बना सकते हैं। रबर प्लांट, यह एक इंडोर प्लांट है जो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। इसे अगर ज़्यादा धूप मिली तो यह पौधा अपनी पत्तियां गिरा देता है। ऑक्सीजन रिच प्लांट की लिस्ट में सबसे ऊपर आने वाला प्लांट है डिफेनब्रेंकिया। इसे घर के अंदर रखें तो यह बेस्ट एयर प्यूरीफायर का रोल करती है। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हार्मफुल कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर हमारी घर के अंदर की हवा को प्योर बनाती हैं। मनी प्लांट, यह एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसे आप चाहें तो बेडरूम में, गेट के एंट्रेंस पे, या लिविंग रूम, कहीं भी लगा सकते हैं। यह कई वैरायटियों में आने वाला पौधा है। इसे हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पानी में इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। मनी प्लांट इनडायरेक्ट लाइट पसंद करने वाला पौधा है, लेकिन मनी प्लांट की खास बात यह है, इसे लो लाइट में आप लगा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप इसे अपने बेडरूम में रखें तो 6-7 दिन में एक बार ब्राइट लाइट में ज़रूर रखें, लेकिन इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, नहीं तो इसकी पत्तियां जलने लगेंगी। फर्न, बीच से फवारे की तरह इसकी पत्तियां निकलती हैं। इन्हें ड्राई एयर बिल्कुल नहीं पसंद है। यह देखने में बहुत सुंदर दिखने वाला पौधा है। इसे धूप से बचाएं। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं आती हो। क्रेसुला, क्रेसुला एक ऐसा प्लांट है जिसे आप इंडोर रख सकते हैं, लेकिन खिड़की या ऐसी जगह रखें जहां पर ब्राइट लाइट आती हो। ये प्लांट बोनसाई को बहुत अच्छा लुक देता है। बोनसाई इसका देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आज के इंडोर लिस्ट का बेस्ट प्लांट है पीस लिली, जो बहुत ही खूबसूरत पौधा है। यह पीस लिली का प्लांट इंडोर फ्लावरिंग करता है। स्प्रिंग सीजन में इसमें फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। सेफलेरा प्लांट, जिसे अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं, इसकी पत्तियां देखने में छाता जैसी लगती हैं, इसीलिए इसे अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं। इसे डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए, ब्राइट लाइट रखने पर पौधा अच्छे से ग्रो करता है।